जय हिंद वंदे मातरम। जितनी भी युवा हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, धर्म का मार्ग बड़ा कठिन है। अगर आप धर्म पर चलोगे तो आपको पल पल अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। देखो प्रभु, भक्ति मार्ग हर किसी को वैसे नहीं मिल जाता। संत कोई एक जन्म में नहीं बन पाता, संत बनने के लिए कई जन्मों में कई प्रारब्ध करने पड़ते हैं, तब हमको संत का चरित्र प्राप्त होता है। ऐसे ही आपने RTGSU अगर चुना है कि मुझे धर्म का क्षेत्र चुनना है और मुझे आर्मी में आर्मी धर्मगुरु बनना है, तो ये मार्ग सुगम नहीं होगा, बड़ी कठिनाइयाँ होगी, बड़े संघर्ष आएंगे। ध्यान रखना, अभी एक अफवाह चल रही है, क्या RTGSU को अग्निवीर के तहत कर दिया गया है। किसी ने वीडियो बना दिया होगा महाराज, और उस वीडियो को आप लोग देख देख कर भौचक्के हो रहे हो, अपना खून जला रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, जबकि करना तो ये चाहिए था कि आगे आने वाला जो लक्ष्य है उसको साधना है महाराज। हमको किसी अफवाह में नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, जिस RTGSU को अग्निवीर बनाने की बात चल रही है, देखो हमारे आर्मी में तीन प्रकार से भर्तियां होती हैं। एक होती है CO, कमीशन ऑफिसर, ध्यान रखना। एक होता है JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर। तीसरा होता है NCO, जिसमें आपके सफाई वगैरह आ जाते हैं। तो महाराज, जो भर्तियां JCO के तहत होती हैं, कहने का मतलब है कि जो भर्तियां SSB के थ्रू होती हैं, सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत, उन भर्तियों में अभी सरकार प्रयास कर रही है, प्रपोजल मांगा है, ऑफर दिया है, क्या हम इसको कर सकते हैं। अभी वो अपना अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, और वो चीज निकल के बाहर आ गई महाराज, आप लोग घबरा गए। देखो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा आपसे कि आपकी RTGSU को एक कभी भी अग्निवीर नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं महाराज, ये कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक उपाय से कहता हूँ कि अभी जो भर्तियाँ चल रही हैं बहुत सामान्य तरीके से चल रही हैं। ध्यान रखना, 2022 में आप नायब सूबेदार बन जाते हो ना महाराज, धर्म का पेपर दे के और सामान्य का एक हल्का सा पेपर दे के, बच्चों को टाइप का ऐसे पेपर दे के जब आप बन जाते हो ना महाराज, आगे ध्यान रखना आपके इन्हीं पेपरों को ये लोग UPSC के तहत थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि ध्यान रखना, हर समय एक जैसा नहीं होता है। अगर आपको मौका मिला है तो पूरी ईमानदारी जुड़ जाइए महाराज, पूरी मेहनत से। देखो, मेडिकल में बाहर कर दिया, ये आपका दुर्भाग्य है, आपकी किस्मत है, आपका लक है। लेकिन अगर आप मेडिकल फिट हो और फिर अगर मेहनत नहीं कर रहे हो महाराज, ये तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी महाराज। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर एक लक्ष्य को साधना है और हर एक लक्ष्य को पूरी ईमानदारी से निभाना भी है। तो जो अभी अफवाह चल रही है ग्रुपों में कि RTGSU को अग्निवीर के तहत करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। ध्यान रखना, आप लोग अपनी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करिए, बिल्कुल भी नहीं। वो बात चल रही है SSB की, जो हाई लेवल के पेपर होते हैं SSB के थ्रू, उसमें भी JCO भर्ती होते हैं महाराज, तो वो उनकी बात कर रहे हैं। अभी भी भारत में जितने भी बड़े पद हैं वो 10 या 12 साल की होते हैं महाराज, कभी कभी 8 साल के भी होते हैं, तो उसमें भी ये लोग संविदा के तौर पर रखते हैं अधिकारियों को। वो उसकी बात कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं क्या, लेकिन RTGSU को नहीं छेड़ा इन्होंने अभी तक। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, इनका कुछ भी भरोसा नहीं है। ये मोदी सरकार है, सेंट्रल से आर्मी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकती है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप चिल्लाते रह जाओगे। अगर आप आंदोलन करोगे तो आप पर घेराबंदी कर दी जाएगी, आप पर लट्ठे मारे जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि अभी जो मौका मिला है उसको भरपूर जियो, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए महाराज, आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ। तो अफवाहों में ना फंसें, चिंता ना करें, तनाव युक्त ना रहें, तनाव मुक्त रहें। ये वीडियो देखने के बाद आपको बुंदेलखंड में सही जानकारी दी जाती है। ध्यान रखना, भारत में कोई भी वीडियो बना दे, लेकिन जब तक बुंदेलखंड से उस चीज़ का क्लियरेंस ना आए और उसको सत्य नहीं मानना, अपना खून ही जलाओगे महाराज, कुछ नहीं होने वाला, बता रहा हूँ, परेशान हो जाओगे। कई बंदे कल से पढ़ नहीं पाए, बोल रहे हैं गुरु जी अब तुम अग्निवीर होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल ना तो मेल आया है, वो तो खाली एक SSB के थ्रू जो भर्तियां होती हैं JCO की, उसके लिए महाराज वो प्रपोजल मांग रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अग्निवीर में उनको अपार सफलता दिख रही है। बिल्कुल झूठे महाराज, अग्निवीर सक्सेस नहीं है। अगर ये 50% ना बोलते ना अभी, तो बंदे छोड़ के आ जाते, मैं बता रहा हूँ। और इन्होंने अगर 4 सालों में बंदों को परमानेंट नहीं किया ना सभी को, तो बंदे आगे जो आने वाले बैच हैं,
आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारा, जो लड़के पे 15-15 साल के हैं, ये नौकरी नहीं करने वाले, ध्यान रखना, जब तक हमारे भारत देश का ग्रोथ बढ़ जाएगा, ये अच्छे घरों में हो जाएंगे, इन घर अच्छे पक्के बन जाएंगे, ये 4 साल के लिए नहीं जाएंगे महाराज वहाँ पर, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ये भर्ती सक्सेस नहीं है, अगर ये परमानेंट करेंगे तो सक्सेस है, नहीं तो नहीं सक्सेस है। इसलिए आपकी जो JCU की भर्ती होती है ये अलग होती है, नर्सिंग असिस्टेंट है, JCU है, क्लर्क वगैरह, जिन्होंने जो अलग से टेक्निकल भर्ती होती हैं, तो इनको इन्होंने परमानेंट करके रखा है। बकाया सब महाराज इनकी जो भर्तियाँ होती हैं GD और GD के अंतर्गत जो क्लर्क वगैरह भर्ती होती हैं, उनको इन्होंने उसको टेम्प्रेरी रखा है 4 साल के लिए अभी। लेकिन RTGC की जो भर्ती होती है वो परमानेंट है, इसलिए बिल्कुल भी किसी प्रकार से विचलित नहीं होना है महाराज, तैयारी करिए आप अच्छे से बढ़िया। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। अच्छा एक चीज़ भी जानकारी और दे रहा हूँ मैं आपको, अभी कई बंदे बोल रहे थे असम राइफल की जो वैकेंसी निकलने वाली है, जो दिखा रही है, उसमें क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं? आप बिल्कुल डाल सकते हो, उसमें वो लोग ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन वहाँ पे जाओगे तो आपसे शास्त्री मांगेंगे और आप पे उत्तर मध्यमा उत्तर और पूर्व मध्यमा भी मांगेंगे महाराज। अगर आपके पास सब चीज़ें हैं तो आप जाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे वहाँ पे जाके। और फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है, वहाँ पे 30 साल तक शायद एज मांगते हैं, उसमें मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, लोगों ने बदलाव तो नहीं किया, क्योंकि इन्होंने लिखा था पिछली बार 25 साल लिया था 30 साल तक, वहाँ पे इन्होंने टेम्पररी साक्षात्कार लिया था। भर्ती बहुत नॉर्मल होती है, 5 मिनट की रनिंग लेते हैं ये लोग, लेकिन बस समस्या ये है कि वहाँ पर जाके लिखते कुछ और है नोटिफिकेशन में, वहाँ पर डिग्री कुछ मांग लेते हैं, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और है, वहाँ पर रीजनिंग मैथ वगैरह इस टाइप का पेपर भी होता है उन लोगों को, तो कई बंदे पेपर में छिड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग संस्कृत से हो, संस्कृत जानते हो, धर्म जानते हो, सामान्य ज्ञान पढ़ लिया होगा, लेकिन आपने मैथ नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत तो आएगी महाराज, तो ये भी समस्या है। ठीक है, तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, बिल्कुल निसंदेह तैयारी करिए, आर्मी JCO यानी कि RTGC को बिल्कुल भी अग्निवीर नहीं किया गया है, ना कर रहे हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं जितनी जल्दी भर्ती हो जाए, जल्दी हो जाए महाराज, और आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनिए और सीना तानकर चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।